तो ये तो अब तय हो गया कि दिल्ली में अगली सरकार आम आदमी पार्टी की ही बन रही है। ये भी तय है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता की बागडोर संभालेंगे, लेकिन केजरीवाल की कैबिनेट में कौन बनेगा मंत्री, इसका जवाब अभी बाकी है। हालांकि कुछ ऐसे चेहरे जरूर हैं जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा है। आखिरकार दिल्ली को मिल ही गया उसके तख्त का नया बादशाह। खत्म हो गया सरकार पर बरकरार सस्पेंस, खत्म हो गया कौन बनेगा मुख्यमंत्री पर असमंजस। आपके हवाले हो चुकी है दिल्ली। ऐतिहासिक रामलीला मैदान में केजरीवाल की ताजपोशी तय हो चुकी है, लेकिन हर कोई अब ये भी जानना चाहता है कि दिल्ली कैबिनेट में केजरीवाल के सिपहसालार कौन कौन होंगे। आखिर कौन होंगे वो नाम जो अरविंद केजरीवाल के वादों को पूरा करने में उनका साथ देंगे। सूत्रों के मुताबिक जिन चेहरों पर दाव लगाया जा रहा है, एक नजर उन पर भी। बड़बड़गंज के विधायक और पत्रकार रह चुके मनीष सिसोदिया केजरीवाल के बेहद करीबी हैं और माना जा रहा है कि उन्हें अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। मालवीय नगर से आप विधायक और पेशे से वकील सोमनाथ भारती को भी मंत्री बनाया जा सकता है। सोमनाथ भारती ने दिल्ली की पूर्व शिक्षा मंत्री किरण वालिया को मात दी है। लक्ष्मी नगर से विधायक बने विनोद कुमार बिन्नी को भी मंत्रिमंडल में अहम जिम्मेदारी मिलनी तय मानी जा रही है। बिन्नी ने दिग्गज कांग्रेसी नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ए.के. वालिया को हराया है। बिन्नी को दो बार पार्षद का चुनाव जीतने का अनुभव भी हासिल है। ग्रेटर कैलाश से MLA सौरभ भारद्वाज भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। सौरभ भारद्वाज गुड़गांव में एक विदेशी कंपनी में इंजीनियर थे। तिमारपुर से आम आदमी पार्टी विधायक हरीश खन्ना को भी केजरीवाल कैबिनेट में शामिल किया जाना पक्का माना जा रहा है। हरीश खन्ना दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन कार्यकारिणी के सदस्य हैं। मंगोलपुरी से आप विधायक राखी बिरला को भी मंत्रिमंडल में तरजीह दी जा सकती है। राखी ने कांग्रेसी दिग्गज राजकुमार चौहान को हराया है। अरविंद केजरीवाल के सिर दिल्ली के मुख्यमंत्री का ताज सजने वाला है। उनकी काबिलियत को दिल्ली और देश देख चुका है, लेकिन अब चुनौती केजरीवाल के इन विधायकों के सामने भी है जिन्हें मंत्री बनकर जनता को दिखाए सपनों को पूरा करना है। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक इस सरकार में हर चेहरा नया होगा। सरकार चलाने का अनुभव ना तो केजरीवाल को है और ना ही चुने गए 28 विधायकों को। तभी तो केजरीवाल के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती हर वर्ग को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने की होगी। रीमा पराशर के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक।